हाय गाइज, वेलकम बैक टू द डायरी ऑफ एन इंडियन मॉम। और आज फाइनली मैं लॉन्च करने जा रही हूँ हमारा फोनिक्स का बिगिनर लेवल पैक। आई नो ये काफ़ी टाइम से ओवर ड्यू था और काफ़ी टाइम से हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। ओरिजिनली ये दिवाली के बाद लॉन्च होना था, लेकिन वी ऑलमोस्ट डिलेड बाई 3 वीक्स, जिसके बहुत सारे रीजन्स है। देर इज सो मच गोइंग ऑन इन लाइफ, जिसके बारे में हम धीरे धीरे करके बात करेंगे, बट टूडेज वीडियो इज नॉट अबाउट दैट। आज के हमारे इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ हमारे फोनिक्स पैक की सारी डिटेल्स के बारे में, क्या क्या इंक्लूडेड है इसमें, क्या प्राइसिंग है, कैसे आप इसको ऑर्डर कर सकते हो, एंड एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो। जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, इस पैक को मैं 2 पार्ट्स में लॉन्च करने वाली हूँ। पहला है एक बिगिनर लेवल का पैक जो कि मैं अभी लॉन्च कर रही हूँ, और दूसरा होगा एक एडवांस लेवल का फोनिक्स पैक। द रीजन फॉर दैट इज, जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, फोनिक्स यूजुअली एक 2 से 3 साल की जर्नी होती है, एंड किड्स लर्न फोनिक्स और उसके अलग अलग रूल्स एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ देयर ग्रोथ। तो इट डजेंट मेक सेंस अकॉर्डिंग टू मी कि मैं एक ही बार में आपको एक पूरा सेट दे दूं, जो यूजुअली बाहर मार्केट में आप जाओगे तो ऐसे ही होता है, एक पूरा आपको कॉम्प्रिहेंसिव पैक मिलेगा, पर फिर उसकी प्राइसिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। और मुझे लगता है कि कभी कभी ऐसे पैक्स के साथ ये होता है कि ओवर द पीरियड ऑफ 1 साल 1.5 साल आप कहीं ना कहीं उस बारे में भूल जाते हो, या वो चीज़ें आउटडेटेड हो जाती है, या आप बहुत बार उसको रिलेट नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी आपने एक ही बार में पूरा पैक ले लिया है, एंड देन इट बिकम्स अ वेस्ट ऑफ मनी। खास करके क्योंकि मुझे पता है कि मेरे व्यूअर्स के बच्चों का एज ग्रुप अराउंड 2.5-3 है, तो बाय द टाइम आपके बच्चे 3.5-4 साल के होते हैं और ये बिगिनर पैक को आप पूरी तरह से कवर कर लो, आपके बच्चे उस लेवल के फोनिक्स तक अच्छे से कंफर्टेबल हो जाए, देन यू कैन डिसाइड टू बाय द नेक्स्ट लेवल, जो कि मैं लॉन्च करूंगी इन द नेक्स्ट 2 to 3 months। सो दैट वॉज द आइडिया बिहाइंड स्प्लिटिंग इट इन टू 2 पार्ट्स। अब आते हैं कि क्या क्या इसके कंटेंट्स है। तो इस पैक के 2 कंपोनेंट्स है, एक तो है एक रिकॉर्डेड सेशन, और दूसरा है जो भी लर्निंग और टीचिंग मटेरियल मैं शेयर करने वाली हूँ इन फॉर्म ऑफ वर्कशीट्स, इन फॉर्म ऑफ एक्टिविटीज। वो अगेन ये करने का कारण ये है कि फोनिक्स एक ऐसी चीज़ है कि जिसकी मैं सिर्फ आप लोगों को वर्कशीट्स प्रोवाइड कर दूंगी तो आप अपने बच्चों को पढ़ा पाओगे ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमको भी पहले सीखना पड़ता है फोनिक्स बिफोर वी कैन टीच आवर किड्स, क्योंकि हमने नहीं सीखा था एज किड्स। तो ये जो पैक है इसका डुअल ऑब्जेक्टिव है, एक इट विल मेक यू वेल वर्स्ड विद फोनिक्स, आपको जो बेसिक अमाउंट ऑफ नॉलेज चाहिए फोनिक्स का वो प्रोवाइड करेगा, ताकि आगे आप अपने बच्चों को वो पास ऑन कर सको और उनको अच्छी तरह से और बहुत इन्फॉर्म्ड तरीके से फोनिक्स के लेसन्स दे पाओ। तो जो इसमें रिकॉर्डेड सेशन है उसका मेन पर्पज है कि आप लोगों को वो बेसिक जो टीचिंग या नॉलेज या अवेयरनेस हो वो दे पाए फोनिक्स के बारे में। तो सारे अल्फाबेट्स के करेक्ट साउंड क्या होते हैं, आप उसको सिखाने के लिए क्या क्या हर अल्फाबेट का एक्शन यूज कर सकते हो, एक्शंस मैं आपको बताऊंगी। इसके अलावा कुछ स्टोरीज जो आप यूज कर सकते हो बच्चों को अल्फाबेट के साउंड सिखाने के लिए, उसके बारे में हम बात करेंगे, वो हमारी वर्कशीट्स का भी पार्ट है। उसके अलावा जो टर्मिनोलॉजी होती है फोनिक्स में, कि ब्लेंड्स क्या होते हैं, सीवीसी वर्ड्स क्या होते हैं, डायग्राफ्स क्या होते हैं, ये सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, और कुछ रूल्स और कॉमन टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आपकी ये जर्नी स्मूथ हो जाए उसके बारे में बात करेंगे। और जो फिजिकल लर्निंग मटेरियल है उसके अंदर टीचिंग और लर्निंग दोनों पर्सपेक्टिव से बहुत सारी एक्टिविटीज इंक्लूडेड है, बहुत सारी वर्कशीट्स इंक्लूडेड है, और इसमें सिर्फ वर्कशीट्स नहीं है, यानी जैसे हमारे फर्स्ट लर्निंग पैक में थी कि सारी एक्टिविटी वर्कशीट्स थी, इसमें बहुत सारी और चीजें जैसे कुछ चार्ट्स हो गए जो आप अपने घर में हैंग कर सकते हो, दिस आर नॉट मेड ऑन नॉर्मल पेपर, ये प्रॉपर जो चार्ट पेपर होता है मोटा, इट इज मेड ऑन दैट, यू कैन मेक फ्लैश कार्ड्स आउट ऑफ दिस, और ऐसी सिमिलर काफी सारी एक्टिविटीज भी इंक्लूडेड है जिससे आप अपने बच्चों को ढेर सारी प्रैक्टिस दे सको फॉर ऑल द टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस लर्निंग पैक। तो सबसे पहले इस लर्निंग पैक में इंक्लूडेड है हर अल्फाबेट के करेक्ट साउंड्स और उनको सिखाने की मेथोडोलॉजी, यानी एक तो सारे अल्फाबेट के क्या करेक्ट साउंड है वो आपको रिकॉर्डेड वर्जन में मिल जाएंगे, उसके अलावा उसको सिखाने के लिए कि क्या एक्शंस होती है वो रिकॉर्डेड वर्जन में मिलेगी, वर्कशीट्स में आपको उस अल्फाबेट साउंड को सिखाने के लिए कि एक स्टोरी की आउटलाइन मिलेगी जिसको यूज करके आप बच्चों को बहुत फन तरीके से वो साउंड याद करवा सकते हो, उसके अलावा हर लेटर का क्या फॉर्मेशन होता है वो भी हर वर्कशीट का पार्ट है। यू विल ऑल्सो फाइंड वर्ड स्टार्टिंग विथ एवरी अल्फाबेट साउंड, यानी उस साउंड का यूजेज सही कैसे होता है, कौन कौन से वर्ड्स में होता है, स्टार्टिंग में, बीच में, इस तरह के आपको एग्जाम्पल्स हर वर्कशीट में मिल जाएंगे। तो ये तो हो गया अल्फाबेट साउंड्स। जो नेक्स्ट चीज है वो है बिगिनिंग लेटर साउंड्स की प्रैक्टिस के लिए की बहुत सारी वर्कशीट्स के अलावा कुछ एक्टिविटीज भी इंक्लूड की है हम लोगों ने, ऐसे लेटर क्यूब्स बनाने के लिए का हमने आपको मटीरियल दिया हुआ है, साथ में कुछ प्लेमैट्स दी हुई है, डाइस रोल करके इसके अंदर जो भी अल्फाबेट आता है वो उससे शुरू होने वाला वर्ड उस प्लेमैट से ढूंढना, उस टाइप की एक्टिविटी, या आप इसको जनरली अपने घर में भी यूज कर सकते हो अदर देन द एक्टिविटीज जो हमने
दिया है और फिर बच्चों को घर में से कुछ सामान ढूंढने के लिए कह सकते हो इस लेटर से शुरू होने वाला एंड थिंग्स लाइक दैट। उसके बाद जो थर्ड टॉपिक हम कवर कर रहे हैं वो है सीवीसी वर्ड्स, यानी थ्री लेटर वर्ड्स पढ़ने की प्रैक्टिस करवाने के लिए और सिखाने के लिए की एक्टिविटीज। तो उसके लिए हम लोग सारे सीवीसी वर्ड्स यानी जो भी अवेलेबल है 200 सीवीसी वर्ड्स उसके चार्ट्स आपको दे रहे हैं। उसके साथ साथ काफी सारी इंडिविजुअल वर्कशीट्स भी अवेलेबल है टू प्रैक्टिस दिस सीवीसी वर्ड्स का रीडिंग एंड आइडेंटिफिकेशन। इसके साथ साथ हम लोग आपको मटेरियल भी प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे आप इस तरह की बुकलेट्स बना पाओ सारे सीवीसी वर्ड्स की और जो वर्ड फैमिलीज है उसकी। सो दिस इज समथिंग दैट यू कैन कीप फॉर एवर। सो ये है तीसरा टॉपिक जो हम कवर कर रहे हैं। चौथा जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स या जो लेटर ब्लेंड्स होते हैं बिगनिंग लेटर ब्लेंड्स, वो अगेन इसके लिए हम लोग ऐसे चार्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें सारे ही बिगनिंग लेटर ब्लेंड्स जो होते हैं वो विथ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। वी हैव सेपरेट वर्कशीट्स ऑल्सो जिसके अंदर लेटर ब्लेंड्स की काफी एक्सरसाइजेस और एक्टिविटीज दी हुई है। पांचवी जो चीज हमने इंक्लूड की है वो है लेवल 1 साइट वर्ड्स, यानी बच्चे जब आगे की चार चीजें सीख जाते हैं तब वो मोर और लेस 3 लेटर के वर्ड्स पढ़ने लगते है और छोटे छोटे सेंटेंसेस पढ़ने के लिए भी रेडी हो जाते हैं। द ओनली थिंग दैट दे नीड टू लर्न उस चीज के लिए वो है कुछ साइट वर्ड्स। तो हम लोगों ने ऐसे चार्ट्स दिए हुए जो लेवल 1 साइट वर्ड्स के हैं, तो आप या तो इसको अपने घर में चार्ट के फॉर्म में यू नो स्टिक कर सकते हो या हम लोग की तरह आप इसको ऐसे नॉर्मल फ्लैश कार्ड्स की एक बुकलेट बना सकते हो और यूज कर सकते हो और बच्चों को साइट वर्ड्स सिखा सकते हो यूजिंग दिस। सो दिस इज द फिफ्थ थिंग इंक्लूडेड इन द पैक। और जो सिक्स चीज है वो कुछ छोटी सी डिकोडेबल स्टोरीज है, यानी बच्चे एक बार जब सारे सीवीसी वर्ड्स और साइट वर्ड सीख लेते हैं तो बहुत छोटे छोटे कुछ डिकोडेबल सेंटेंसेस पढ़ पाते हैं। तो हमने ऐसे डिकोडेबल सेंटेंसेस को इकट्ठा करके कुछ कुछ स्टोरीज बनाई है लाइक दिस वन, जो कि बच्चे बहुत आसानी से पढ़ पाएंगे बाय द टाइम दे फिनिश द फर्स्ट 5 स्टेप। अगेन आप इसके पार्ट्स को कट करके इसको स्टेपल करके एक बुकलेट फॉर्म में बना सकते हो और इसको एक छोटी सी स्टोरी बुक टाइप्स भी बना सकते हो और रख सकते हो अपने पास। सो वी हैव केप्ट ऑल ऑफ दिस इन दिस फॉर्मेट ताकि आप जिस फॉर्म में इसको यूज करना चाहते हो आप यूज कर सकते हो। कुछ लोग कंफर्टेबल होते हैं इसको चार्ट्स बना के बच्चों के रूम में लगाने में, कुछ लोग कंफर्टेबल होते हैं इसको कट करके नॉर्मल फ्लैश कार्ड्स की तरह यूज करने में, कुछ स्टेपल करके यूज करना चाहते हैं एज अ बुकलेट। सो यू कैन डू ऑल ऑफ दिस। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे जो कि है कि व्हाट इज द प्राइस फॉर दिस। तो अगेन जैसे हमने हमारे फर्स्ट लर्निंग पैक में किया था, इसका मैं एक सेपरेट प्राइसिंग रख रही हूँ, अर्ली बर्ड प्राइसिंग, जो कि पहले 5 दिनों के लिए वैलिड होगा। इस बार मैं क्या कर रही हूँ, जो शिपिंग कॉस्ट भी है वो भी इसके अंदर इंटीग्रेट करके आपको एक कंबाइंड कॉस्ट बता रही हूँ। पिछली बार हम लोग 100 रुपए अलग से चार्ज कर रहे थे शिपिंग के लिए, लेकिन वो थोड़ा लॉजिस्टिकली आपके लिए भी डिफिकल्ट हो जाता है समझना, मेरे लिए भी कैलकुलेशन में डिफिकल्ट हो जाता है। सो दिस टाइम आई हैव डिसाइडेड टू इंटीग्रेट द कॉस्ट दोनों चीजों का एक ही में। तो इस पैक का जो टोटल कॉस्ट है शिपिंग इंक्लूड करके पहले 5 दिनों के लिए, यानी जो अर्ली बर्ड डिस्काउंटेड प्राइस है, दैट इज 649 रुपीज। यानी आज 5th है तो 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, एंड क्योंकि आज का आधा दिन चला गया है आई विल टेक इट टिल 10th। 10th तक जो भी सारे ऑर्डर्स हमें रिसीव हो गए उस ऑर्डर्स के लिए इसका प्राइसिंग होगा 649 रुपीज इंक्लूडिंग शिपिंग। आफ्टर दैट द प्राइसिंग फॉर दिस विल शिफ्ट टू 749 रुपीज। मैं इसके ऑर्डर्स 10th के बाद नहीं लेने वाली हूँ टिल द एंड ऑफ दिस मंथ बिकॉज आई हैव अ फ्यू थिंग्स पर्सनल फ्रंट पे जो हो रही है। सो दोज बुकिंग्स आई विल स्टार्ट टेकिंग फ्रॉम द 1st of January। तो अगर आप अभी बुक नहीं करते हो तो आप लेटर ऑन आफ्टर 1st यू कैन रीच आउट टू अस फॉर दैट। अब इसे ऑर्डर कैसे करना है उसका प्रोसेस बता देती हूँ। मैं सारी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी छोड़ दूंगी, बट बेसिकली नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, आपको उस पर क्लिक करना है इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। आपको कुछ कुछ डिटेल्स मांगेंगे, जस्ट फिलअप दोज डिटेल्स, यू विल गेट अ मेल फ्रॉम अस इमीडिएटली जिसके अंदर पेमेंट की सारी डिटेल्स मैंशन होगी और एक और गूगल फॉर्म का लिंक होगा। अब पॉसिबिलिटी है कि ये मेल आपके जंक मेल या स्पैम फोल्डर में आए, तो प्लीज अगर आपके इनबॉक्स में आपको ये मेल नहीं दिखता है इन द नेक्स्ट 5-7 मिनट्स, तो आप प्लीज जाके अपने स्पैम फोल्डर और या जंक मेल को चेक कीजिएगा और उसको मार्क कीजिएगा एज नॉट स्पैम, ताकि नेक्स्ट टाइम से आपको हमारे सारे मेल अपने इनबॉक्स में मिले। अब एक बार आपके पास पेमेंट डिटेल्स आ जाती है, फिर नेक्स्ट स्टेप इज कि अगर आप ऑर्डर करना चाहते हो तो उसमें से जो भी पेमेंट मोड आप यूज करना चाहते हो उससे आप अपना पेमेंट कीजिए। पेमेंट का एक स्क्रीनशॉट जरूर सेव कीजिएगा और उसमें एक गूगल फॉर्म का और लिंक दिया है, उसके अंदर अपना कंप्लीट एड्रेस जो शिपिंग एड्रेस है वो पिन कोड इंक्लूड कीजिएगा
वो डालिएगा, करेक्ट कॉन्टैक्ट नंबर डालिएगा और इस पेमेंट का स्नैपशॉट अपलोड कीजिएगा. बेसिस दैट वी विल प्रोसेस योर ऑर्डर. पहले 5 दिन के सारे ऑर्डर हम लोग प्रोसेस करेंगे 11th को, यानी 10th तक के जो भी ऑर्डर्स आए होंगे हम 11th को प्रोसेस करेंगे और वो 12th को डिस्पैच होंगे. तो अकॉर्डिंगली इन द नेक्स्ट 5 to 7 days आफ्टर 12th यू विल रिसीव द ऑर्डर्स. जैसे हमने पिछली बार भी किया था, हम लोग ऑर्डर की शिपिंग डिटेल्स आप लोगों के साथ ईमेल पे शेयर करेंगे. अब आपको रिकॉर्डेड सेशन का लिंक कैसे मिलेगा, तो अलॉन्ग विद द शिपिंग डिटेल्स हम लोग आपको मेल पे उस वीडियो का लिंक भी भेजेंगे. मैं उस वीडियो को इंग्लिश और हिंदी दोनों में रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो दो अलग अलग वीडियो के लिंक्स मिलेंगे. तो जिस भी मैं आप कंफर्टेबल है आप उस वीडियो की लिंक पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं. एक ध्यान रखने वाली चीज वही है कि आप उसी ईमेल आईडी से उस वीडियो को एक्सेस कर पाओगे जिस ईमेल आईडी से आपने गूगल फॉर्म भरा है. तो प्लीज मेक श्योर आपका जो यूट्यूब का जीमेल आईडी है इट मैचेस विद द ईमेल आईडी जो आप एंटर कर रहे हो आपके गूगल फॉर्म में. सो दिस आर ऑल द डिटेल्स अबाउट हाउ टू ऑर्डर, क्या प्राइसिंग है, एवरीथिंग. आई होप मैंने सब कुछ क्लियर किया है. अगर आपको कोई क्वेरीज है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा. इसके अलावा इन द ऑर्डरिंग प्रोसेस अगर आपको कोई डिफिकल्टीज होती है तो आई वुड सजेस्ट कि या तो आप हमको मेल कर सकते हैं या मेरे इंस्टाग्राम पे आप डीएम पे मुझे रीच आउट कर सकते हैं. वहाँ मैं ऑलमोस्ट इमिडिएटली रिस्पॉन्ड करती हूँ, वरना आप यहाँ नीचे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो. बट आई वुड सजेस्ट कि बेटर आइडियाज या तो मेल कीजिए या तो इंस्टाग्राम डीएम पे मुझे रीच आउट कीजिए. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू योर रिस्पॉन्स on this, and yeah, till then, bye bye. I'll see you in my next one.